एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली की ट्रामा यूनिट ने रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और विभत्स एक युवक के चेहरे का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया है। अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के डॉक्टर्स और अन्य विभागों के डॉक्टरों की देखरेख में युवक का ऑपरेशन किया गया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ट्रामा के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ ट्रामा के अनेकों मरीजों का ऑपरेशन कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है। इसी कड़ी में 10 दिनों पूर्व रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल एक युवक को रात्रि 10 बजे अस्पताल लाया गया था। दुर्घटना में युवक का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और विभत्स हो चुका था। चेहरे में मुरम और मिट्टी धसी हुई थी, साथ ही चेहरे की हड्डी टूट चुकी थी। मरीज के आते ही अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन विश्वमित्र दयाल द्वारा उसकी जांच कर अन्य डॉक्टरों से विचार विमर्श कर ऑपरेशन किया गया, जो पूर्णतया सफल रहा। मरीज अब तेजी से स्वस्थ हो रहा है। एक अन्य मामले में 12 साल के बच्चे की आंखों की पुतली क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कर उसे ठीक किया गया। कुछ अस्पताल द्वारा बच्चे को एडमिट करने से इनकार कर दिया गया था। अस्पताल के ICU में स्टाफ नर्स बर्न एवं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वमित्र दयाल और एनेस्थीसिया एवं ICU इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने मरीज की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्ते, मैं एसआर हॉस्पिटल में ICU इंचार्ज नर्स के रूप में काम कर रही हूँ और हमारे पास ICU में सभी तरीके के उपकरण और सभी नई मशीनें मौजूद हैं, वेंटिलेटर भी हैं। और हमारे पास एक पेशेंट आया था मोरस ध्वज, जो कि बर्न एंड प्लास्टिक में एडमिट था। पेशेंट जब आया था वो बहुत ही बुरी कंडीशन में एक्सीडेंट होके आया था। पेशेंट का फेस पूरी तरीके से इंजर हो चुका था, एक साइड पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, जिसको इमीजिएटली ऑपरेट किया गया डॉक्टर VP दिवाल के द्वारा। और आज पेशेंट घर जाने की स्थिति में है। पेशेंट का चेहरा पहले की तरह हो चुका है और पेशेंट आज पूर्णतः स्वस्थ है, खुश है। और बस बहुत अच्छा लगा, पेशेंट को पूरी तरीके से इमीडिएटली इलाज मिला। और सभी पेशेंट को यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट आते हैं और RTA में खास करके इमीडिएटली डिसीजन लिया जाता है और तुरंत उन्हें ऑपरेट करके ठीक किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में एनेस्थीसिया तथा ICU इंचार्ज की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ आए दिन ट्रॉमा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर उनको हम तत्काल इलाज उपलब्ध कराने में समर्थ रहे हैं। मोरध्वज नामक एक 21 वर्षीय युवक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में काफ़ी गंभीर अवस्था में हमारे अस्पताल में आया था। उसके चेहरे का हिस्सा पूरी तरीके से चमड़ी उधड़ गई थी, एक दाएं आँख की नीचे की पलक बाहर तक निकली हुई थी तथा उस आँख को बचाना मुश्किल लग रहा था। ऐसी गंभीर अवस्था में मरीज हमारे पास आया, हमने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर विश्वामित्र दयाल इनकी देखरेख में उसका तुरंत ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। रात को ही उसको हमने OT में लिया और तभी तत्काल सारी सर्जरी जो है वो प्लान करके कर दी गई। आज करीब 10 दिन बाद मरीज अच्छी पूर्णतः स्वस्थ है और हमारे यहाँ से छुट्टी लेके जा रहा है। चूँकि इलाज में हमने देर नहीं की, जिसके कारण उसकी आँख को भी हम बचा पाए और किसी भी तरह विकृति से आज मरीज फ्री है। चेहरा भी काफ़ी हद तक सामान्य रूप में बना पाए हैं। तो उसमें क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसे कोई भी मरीज जिनको तत्काल इलाज की ज़रूरत होती है, वो कभी भी इवन रात को भी हमारे यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सारी सुविधाएँ 24 घंटा हम मरीजों को देते हैं, तो इन सुविधाओं का आप लाभ उठाएँ, यही आपसे आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विश्वमित्र बीदयाल SR हॉस्पिटल में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से कार्यरत हूँ। SR हॉस्पिटल दुर्ग धमधा हाईवे पर अवस्थित है। यहाँ पे आए दिन ट्रॉमा के मरीज आते रहते हैं। एक 12 साल का बच्चा जिसका बाएं आँख के निचला जो है पुतली, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। विभिन्न हॉस्पिटल में उसके पिताजी ट्राई किए पर वो लोग भर्ती से इनकार कर दिए। अंत में वो SR हॉस्पिटल में विश्वास जता के आया और मैं उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। दूसरा मरीज 21 साल का, जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था, विभत्स हो गया था, चेहरे में मुरम गिट्टी सा भरा हुआ था, उसका हड्डी भी टूट गया था, जिसको मैंने प्राइमरी रिसक्सिटेशन के बाद इन्वेस्टिगेट किया। विभिन्न सर्जन, न्यूरो सर्जन और इंटेंसिविस्ट फिजिशियन सबको दिखाने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार किया और तत्कालिक ऑपरेशन करके उसका भी चेहरा बना दिया। दोनों के पिताजी अत्यंत ही खुश हैं।
अतः क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है कि कभी भी ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ नज़र ना आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप एसआर हॉस्पिटल में बिंदास आएँ और हमारी सेवा का लाभ उठाएं। गौरतलब है कि ट्रामा के मामलों में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर मरीजों को स्वस्थ किया है, जिसका श्रेय अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और अनुभवी स्टाफ को दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।